नमस्ते, मेरा नाम गुरुमूर्ति है और मैं आईटी फॉर चेंज में काम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बिग ब्लू बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम से एक लिंक मिली होगी, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा या ब्राउज़र में जाकर लिंक को एंटर कीजिएगा, तो आपको ऐसा एक स्क्रीन मिल जाएगा जहाँ ये बिग ब्लू बटन की लॉगिन स्क्रीन है। तो अपना नाम यहाँ एंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नाम एंटर करके ज्वाइन क्लिक करेंगे तो बिग ब्लू बटन की स्क्रीन खुल जाएगी और सबसे पहले बिग ब्लू बटन आपको पूछेगी कि आप माइक्रोफोन में एंटर करना चाहते हैं या लिसन ओनली मोड पर एंटर करना चाहते हैं। हमेशा आप माइक्रोफोन ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि माइक्रोफोन ऑप्शन में आपको बोलने की मौका मिलेगी। अगर आप लिसन ओनली ऑप्शन चुनेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो पहले माइक्रोफोन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और बिग ब्लू बटन ये जो बोल रहे हैं उसकी एक टेस्ट करेगी। अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी बात आपको दोबारा सुनाई दे रही है, मतलब ये सही काम कर रही है, तो आप यस क्लिक कीजिएगा। अगर आपको अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो आप नो क्लिक कीजिएगा और दोबारा आप को आप ट्राई कर सकते हैं। तो बिग ब्लू बटन स्क्रीन में तीन भाग हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये स्क्रीन इंग्लिश में है। यदि आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन हिंदी में आपको दिखाई दे तो यहाँ जो तीन डॉट्स हैं राइट साइड में उसको आप क्लिक करें तो सेटिंग्स ऑप्शन जो आपको दिख रही है आप सेटिंग्स पर क्लिक करें और लैंग्वेज जो है एप्लीकेशन लैंग्वेज अभी इंग्लिश है उसके जगह आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। आप हिंदी सेलेक्ट कर कर सेव पर प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन जो है आपको हिंदी में नज़र आएगा। तो आप देखेंगे कि बिग ब्लू बटन में सबसे लेफ्ट से हम शुरू करेंगे तो यहाँ उपयोगकर्ता की जो पट्टी है वो आपको दिखने में आपको दिखेगी। तो मैं अभी सिर्फ मेरा नाम ही है क्योंकि मैं दो सिस्टम से ज्वाइन किया हूँ ये सेशन को, तो जितने ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम ये इस पार्ट में आपको नज़र आएगा। आप चैट करना चाहते हैं तो ये सार्वजनिक चैट है, वहाँ आप जाकर जो भी टाइप करेंगे वो सभी पार्टिसिपेंट्स को दिखाई देगी। और बीच में सबसे बड़ी पार्ट जो है ये स्लाइड है, जो भी स्लाइड्स हम यूज़ करेंगे सेशन में ये स्लाइड्स आपको यहाँ दिखाई देगी। तो यूज़र लिस्ट, पब्लिक चैट और ये जो स्लाइड्स की डिस्प्ले है यही मेन पार्ट है बिग ब्लू बटन के। यदि आप अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे जो वीडियो का आइकॉन है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी ऑन हो जाएगी। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये माइक पर क्रॉस साइन है, इसका मतलब है आप म्यूट पर हैं, आप जो बोल रहे हैं किसी को सुनाई नहीं देगी। लेकिन इसको आप अनम्यूट अनम्यूट करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे दूसरों को सुनाई देगी। आप बोलने के बाद फिर से म्यूट पर प्रेस कीजिएगा ताकि म्यूट हो जाए। अगर पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करके रखेंगे तो सेशन को डिस्टरबेंस हो सकती है, इसलिए ड्यूरिंग द सेशन हमेशा म्यूट पर ही रखिएगा। यदि आप बोलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप रेज हैंड क्लिक करें, जैसे कि आपके क्लास में भी अगर बच्चा बोलना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि जो भी बोलना चाहते हैं हाथ ऊपर कीजिएगा, तो ये हाथ ऊपर करने का फीचर रेज हैंड फीचर बिग ब्लू में भी है, उसको आप क्लिक करेंगे सो यू हैव योर रेज योर हैंड करके आपको मैसेज आ जाती है और फैकल्टी को भी ये दिखने को मिलेगा और आपको बात करने का वो मौका दे सकते हैं। फिर एक और बात है कि स्क्रीन में जो भी आपको दिख रहा है आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आप स्लाइड नहीं देखना चाहते हैं तो माइनस प्लस साइन क्लिक करेंगे तो स्लाइड गायब हो जाएगी। दोबारा देखना चाहते हैं तो बॉटम में जो स्लाइड का जो आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो स्लाइड दोबारा दिखने को मिलेगी। यदि आप स्लाइड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये जो आप चार तीर देख रहे हैं, चार तीर आप क्लिक करेंगे, ये चार तीर का हमेशा मतलब है मैक्सिमाइज बिग ब्लू बटन में, तो उसको आप बड़ा करके पूरा स्क्रीन देख सकते हैं। दोबारा उसको क्लिक करने से फिर से छोटी हो जाती है। चैट नहीं देखना चाहते हैं तो ये क्लिक कीजिएगा तो चैट खत्म नहीं दिखने को मिलेगी, और दोबारा देखना चाहते हैं तो सार्वजनिक चैट पर दोबारा क्लिक कीजिएगा। तो बिग ब्लू बटन में इतनी सारी फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और कुछ फीचर्स हैं क्या करके हम हमारे स्लाइड पर जाकर देखते हैं। तो जॉइन ऑडियो हमने देख लिया, हिंदी इंटरफेस भी देख लिया, उपयोगकर्ता की सूची लेफ्ट साइड में है, सार्वजनिक चैट भी लेफ्ट साइड में है,
स्लाइड्स हम देख सकते हैं, वीडियो भी हमारा बता सकते हैं, और ये स्क्रीन साझा करना ये फैकल्टी करेंगे, तो अभी आपको उसके बारे में नहीं बताता हूँ। और अंत में मैक्सिमाइज मिनिमाइज इसके बारे में मैंने बताया। और मतदान एक फीचर है, जब भी हम फैकल्टी पार्टिसिपेंट्स की राय जानना चाहते हैं तो हम एक पोल या मतदान ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपके स्क्रीन में प्रश्न आ जाएगा और आप यस नो प्रेस कर कर उसका रिप्लाई दे सकते हैं। आप जब सेशन ख़त्म करेंगे तो यहाँ तीन डॉट क्लिक कर कर लीव मीटिंग आप क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग से बाहर हो जाएंगे। तो यही है बिग ब्लू बटन की।